दोस्तों आजकल ऑफिस योगा, चेयर योगा बहुत ट्रेंड में है। कई लोग इसकी बुराई भी करते हैं और कहते हैं कि अरे ट्रेडिशनल तरीके से ही योग करना चाहिए वरना आपको बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि नहीं कुछ से कुछ ही सही। अगर आप योग ट्रेडिशनल तरीके से जमीन पर बैठकर मैट के साथ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने ऑफिस में इसे कर सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह कर सकते हैं जहां पर आप मुश्किल से 10 मिनट निकाल सके अपनी हेल्थ के लिए। चलिए आज का सेशन आज चेयर योग के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज 21 जून है यानी विश्व योग दिवस। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोग योग करना तो चाहते हैं लेकिन वो बहाने बनाते हैं कि हम योग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हम किसी फैंसी स्टूडियो नहीं जा सकते या फिर हम नीचे नहीं बैठ सकते। असल में आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप आसानी से कुर्सी पर बैठ के भी योग कर सकते हैं और इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय चाहिए। कैसे करना है चलिए सीखते हैं। सबसे पहला आसन हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट यानी कटी चक्रासन। इसे करने के लिए इनहेल करें, ट्विस्ट करें अपनी बॉडी को, बैक साइड देखेंगे हम राइट साइड टर्न करते हुए, वापस आएंगे एक्सहेल करते हुए और उसके बाद ऑपोजिट साइड में से रिपीट करेंगे। देखिए कैसे, इनहेल होल्ड एंड ट्विस्ट। जितना ज्यादा पीछे की तरफ हो सके देखिए, वापस आते हुए एक्सहेल, अब ऑपोजिट साइड। होल्ड उतनी ही देर करें जितने में आप कंफर्टेबल हो और उसके बाद वापस आकर रिलैक्स करें। अगर आपकी चेयर में हैंडल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी चेयर को साइड से भी पकड़ सकते हैं। दूसरा पोज हम करेंगे पाद उत्तानासन। इसके लिए इनहेल करें, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लें। आप चाहें तो यहाँ से अपने थाई से पैरों को सपोर्ट भी दे सकते हैं। कुछ देर होल्ड करें, यहाँ लंबी छोटी सांसें भी ले सकते हैं और उसके बाद एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएं। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। इनहेल Exhale down. Relax. अगला आसन हम करेंगे हस्त पादासन। इसके लिए हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करें, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं, हाथों को पैरों के पास ले आएं। यहां अगर आप अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकते तो आप छोटी छोटी सांसें ले सकते हैं। वापस से इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएं। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। इनहेल एक्सहेल ये दोनों ही पोज आपकी बेली फैट को कम करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप अपने लव हैंडल्स को यानी कमर पर जमी फैट को जो यहाँ आसपास जम जाता है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गद्यात्मक मेरु वक्रासन भी ट्राई कर सकते हैं। ये आसन आपके बाहों का वजन उसका फैट कम करने में भी आपकी मदद करेगा। अपने लेफ्ट हैंड से राइट साइड को इस तरीके से होल्ड कर लें, इनहेल करें और पीछे की तरफ आर्म स्प्रेड करें। अपनी राइट आर्म ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ देखें, एक्सहेल करते हुए वापस आएं और फिर इसे ऑपोजिट साइड ट्राई करेंगे। अगेन कोई भी आसन आपको उतनी देर ही होल्ड करना है जितने में आप कंफर्टेबल हो, 10 तक की गिनती भी शुरुआत में काफी रहेगी। बैक रिलैक्स।
इन योगासनों के अलावा कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं यानी माइक्रो एक्सरसाइजेस भी हैं जिन्हें आप अपनी सीट पर बैठे बैठे कर सकते हैं, जिनमें शोल्डर रोटेशन सबसे ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैठे बैठे रहने से आपके शोल्डर सबसे ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं। इस तरीके से अपने हाथों को शोल्डर पर रख लें और इनसाइड आउट आपको रोटेशन करना है। फिर ऑपोजिट साइड, इसके अलावा अपनी नेक को दिन में कम से कम दो बार जरूर मूव करें, राइट और लेफ्ट साइड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale करें और exhale करते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं और फिर ऊपर और नीचे movement करें। ये एक्सरसाइज आपके पैरों के साथ आपके लोअर बेली फैट को कम करने में आपकी मदद करेगी। उम्मीद है कि योग सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको ढेर सारी मदद मिलेगी। तो अगली बार ये बहाना ना बनाएं कि आपके पास फैंसी स्टूडियो नहीं है या फिर योग करने की जगह नहीं है, क्योंकि आप अपने ऑफिस में भी योग कर सकते हैं और इसके लिए आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो लोग अक्सर बहाने बनाते नजर आते हैं। मैं हूँ प्रीति, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।